अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आपने होटल्स में ज़रूर देखी होगी और खाई भी होगी यकीनन सिरके वाली प्याज। तो इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेबी अनियन। तो जो बड़ी अनियन होगी उसे निकाल देंगे और जो छोटी होंगी उनको छाट के अलग कर देंगे। पहले सबसे पहले हमने यही काम करना है। बेबी अनियन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये देखने में भी खूबसूरत लगती है और ये बहुत जल्दी गल भी जाती है और इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा विनेगर का आ जाता है। तो मैंने ये सारी अलग कर ली हैं। अब मैं इसका छिकल हटा दूंगी। दोनों तरफ से हमने इसका कट करके चिकन निकाल देना है। सारी पहले मैं अनियन का चिकन निकाल दूंगी, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूंगी आपके साथ इसकी रेसिपी और ये बहुत क्विकली बन जाती है। ये हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए मैं बहुत स्टॉक में बना के रखती हूँ, थोड़ा बना के रखती हूँ। मैं डेली का मेरा रूटीन है कि मैं इसे बनाती हूँ और जब भी मील करते हैं हम, जब भी लंच डिनर करते हैं तो ये ज़रूर हमारी डाइनिंग पे रहता है। कट करने के बाद हमने इसमें दो चीरे लगाने हैं। एक तो हमने क्रॉस बनाना है, पूरा नहीं कट करना, थोड़ा सा नीचे एज पे छोड़ देना है ताकि हमारा जो अनियन है वो अपनी शेप ना खोए। इस तरीके से कट करना है, प्लस का साइन लगा देना है। देखिए फर्स्ट कट ऐसे, देन सेकंड कट बीच में क्रॉस बना देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को बेगम किचन को सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। देखिए दोस्तों ये सारी कट हो चुकी हैं और मैं अब इसका बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसे। तो एक बाउल ले लें जो कवर कर सकें, वो वाला बाउल हम लेंगे। प्याज मैंने डाल दी सारी, अब मैं डालूंगी इसमें विनेगर। तो मुझे प्लेन विनेगर की ज़रूरत है, ज़्यादा हार्श वाला मतलब जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो विनेगर नहीं चाहिए। तो इसे मैं बिल्कुल पोर कर दूंगी, डिप कर दूंगी और ओवरनाइट के लिए मैं इसे रख दूंगी। रात भर के बाद ही इसका कलर, इसका क्या नतीजा निकलता है देखते हैं। देखिए अनियन बहुत बिल्कुल रेडी हो गई है। तो हमें इसे विनेगर के साथ नहीं रखना है, हमें इसे अलग करके रखना है। रात भर भिगोने के बाद हम इसे अलग कर देंगे, विनेगर अलग और अनियन हम अलग कर देंगे। किसी भी स्टोरेज में आप रख सकते हैं, किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। इस तरीके से आपने अलग करके और टाइट कवर करके आपने फ्रिज में रख देना है इसे। इसका इस्तेमाल आप एक हफ्ते तक या एक हफ्ते से ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। तो देखिए अंदर से बिल्कुल गल गई है और ये खाने में बहुत मज़ेदार है। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि इसे फ्रिज में रखना है और इस साथ ही टाइट कंटेनर में रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।